सोच रहे तो एडवांस में आपको हैप्पी होली। थैंक यू सो मच, आपको भी हैप्पी होली। एंड होली आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कितना एक्साइटेड है अब इस होली को लेकर? ऑनेस्टली होली एज आई सेड दैट इज़ नॉट वन ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल बिकॉज बचपन में मुझे किसी ने एक सिल्वर कलर लगा दिया था एंड आई हैड रैशेज ऑल ओवर माई बॉडी, सो थोड़ा सा फोबिया बैठ गया था तब से। बट देन रंगों का त्यौहार है, इस बार प्यार के साथ साथ बहुत सारे गुड विशेज एंड प्रार्थना की भी ज़रूरत है, क्योंकि होली में कितना भी कोशिश कर ले लोग बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बट प्रार्थना इसलिए कि लोगों को कोविड ना हो। सो ज़रा सोच समझ के पब्लिक प्लेसेस में जाइएगा और होली खेलिएगा। बट होली जहाँ एज फार एज अगर गुलाल और फूलों के साथ खेला जाए जैसे कि वृंदावन में होता है, सो आई लाइक टू प्ले लाइक दैट विद अ लॉट ऑफ फूड एंड लॉट ऑफ म्यूजिक और अपने जो खास खास लोग हैं उनसे मिलना पसंद है होली में। ओके लिजा जी, अगर आपकी अगर बात की जाए तो क्या आता है कलर्स और होली के नाम से सबसे पहले जहन में आपके? ऑनेस्टली सबसे पहले रंगों का नाम सोचते हुए रेनबो आता है बिकॉज इट्स अ कलरफुल त्यौहार, कलर्स ही कलर है चारों तरफ। और दूसरी चीज़ जो आती है वो बहुत सारी मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे गुजिये और पकवान एंड ऑफकोर्स म्यूजिक और दोस्तों से मिलना। एंड अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, बचपन की अगर बात की जाए तो किस तरीके से बनाते थे आप होली? मैं बहुत थोड़ी कंजर्वेटिव रही हूँ होली के मामले में, मैं घर में घुसी रहती थी एंड माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली दे यूज़ टू ड्रैग मी आउट टू प्ले होली बिकॉज एज आई सेड मुझे कलर से फोबिया इसलिए हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्किन इन्फेक्शन आई हैड। बट जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते गए, कॉलेज में आए एंड ऑफकोर्स और बड़े हुए बॉम्बे में आए, सो होली हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई कंपल्शन बिकॉज इतने सारे इवेंट्स होते हैं, जाना पड़ता है। बट मुझसे पूछा जाए तो अगर होली में मैं घर के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे डर लगता है ये सब पानी एंड पिचकारी एंड इन सब चीज़ों से। स्कूल में किस तरीके की होली मनाती थी? स्कूल में तो मैं, मेरे ख्याल से आज तक याद है, मैं बाथरूम में जाके छुपी रहती थी बिकॉज मेरे फ्रेंड्स जो थे दिल्ली में वो बहुत ही बदतमीज़ किस्म के थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से गोबर कीचड़ बलून के अंदर, आई डोंट नो, यू कैन थिंक ऑफ द मोस्ट dirty thing and they would put inside the balloon. So I used to hide myself inside the bathroom. या फिर मैं sick leave ले लेती थी होली के दो तीन दिन पहले. So yeah, बहुत बदतमीज friend रहे हैं मेरे, but I love them. आपने नहीं लगाया कभी किसी को इस तरीके से रंग, कभी किसी को बहुत ज़्यादा? नहीं बाबा, मैं ना बहुत ही अच्छी बच्ची रही हूँ स्कूल में, मैं ये सब बदमाशियाँ कभी नहीं मैंने किया है. सो नो, मैं इन सब चीज़ों से इनफैक्ट दूर रही हूँ, दूसरों की बदमाशियों के चक्कर में मुझे पनिशमेंट तक मिल चुका है बिकॉज मैं किसी का नाम भी नहीं लेती थी कि कोई अगर कुछ कर दे, टीचर के डेस्क के नीचे बलून रख दे और वो बैठ जाए, सो सब तो भाग जाते थे एंड मी बीइंग द नाइव वन आई यूज टू ऑलवेज गेट इन टू द ट्रबल। ओके, ये सब तो हो गई, सारे के सारे सब बैड एक्सपीरियंस के, मतलब किसी ने कलर लगा दिया, किसी ने मतलब आपकी स्किन पे इन्फेक्शन भी हो गया, कोई अच्छी मेमोरीज की अगर बात करूँ तो क्या बताना चाहेंगे उस बारे में, कोई फैमिली के साथ में या कोई फ्रेंड्स के साथ में, जब आपको जो वो लम्हा याद आता हो या वो मेमोरी याद आती हो? ऑनेस्टली फ्रेंड्स फैमिली तो नहीं, बट मेरे ऑडियंस के साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम बिताया है जॉर्जिया में। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट इंटरनेशनल लेवल पे जब मैं इवेंट करने जा रही हूँ वहाँ पे, जो वहाँ पे लोकलाइट्स है, जो रशियंस है, जॉर्जियंस है, दे वुड इन्जॉय होली सो मच। मतलब मैंने इससे बेहतरीन कॉन्सर्ट कभी नहीं किया था, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट 4 years back, आई वॉज इन टिब्लिसी फॉर अ शो एंड यू वोंट बिलीव द लोकल डांसर्स ओवर देयर, दे न्यू मच मोर बॉलीवुड सॉन्ग्स देन आई थिंक मुझे पता होगा एंड आई हैड ऑलमोस्ट 1800 to 1700 पीपल इन द ऑडियंस एंड दैट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट होली बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट, सो इट केम एज अ सरप्राइज, सो या दैट मेमोरी आई विल ऑलवेज चेरिश फॉर होली। इस बार तो देखिए सबको पता है ऑब्वियस चीज़ हो रही है, कोई घर से बाहर जा नहीं सकता है, ऊपर से महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो गया है, बट आई एम हैप्पी दैट आई बी कनेक्टिंग विद माई ऑडियंस अगेन। मैं कल गोवा जा रही हूँ और मेरा वहाँ कॉन्सर्ट है विद अंडर द गाइडलाइंस ऑफ कोविड जो भी होता है, सो ऑर्गेनाइजर्स ने सब ध्यान रख के बहुत ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके उन्होंने होली कॉन्सर्ट रखा हुआ है एंड उसके बाद फ्रॉम देयर आई एम गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली में कुछ बच्चे हैं जिनसे मुझे बहुत प्यार है, एक सोच इंडिया करके एनजीओ है फाउंडेशन, सो आई विल बी सेलिब्रेटिंग होली विद द किड्स ओवर देयर। एंड क्या लगता है इस बार लोगों को होली मनानी चाहिए क्योंकि कोविड है हमारे बीच में, क्या उनको नहीं मनाना चाहिए, और मनाना चाहिए तो फिर किस तरीके से मनाना चाहिए, क्या आप कहना चाहेंगे? सी ऑनेस्टली जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि अवॉइड कर सके तो अवॉइड कीजिए, हमेशा वी कांट बी लकी है ना, जब तक बच्चे हुए हैं एक माइंडसेट बन जाता है इंडिया इंडियन लोगों में
आई एम ऑल्सो इंडियन बट देन जनरलाइज जो माइंड सेट है कि भैया कुछ नहीं होगा, क्या हो गया, त्यौहार है, बाहर जाएंगे, जैसे दिवाली पे पटाखे फटाने जा रहे हैं आप गुजरात के, आपने सारे वीडियोज़ देखे होंगे वहाँ पे लोग मकर संक्रांति के दिन भीड़ में इकट्ठा हो रखे हैं, उनको लगता है कि उनको नहीं होगा कोविड, बाकी सबको हो सकता है, बट दैट्स अ रॉन्ग माइंड सेट. सो जितना हो सके अवॉइड कीजिए. अपने क्लोज सर्कल में जो लोग हैं, जो सेफ है, जो आपसे रोज़मर्रा मिल रहे हैं, आपको पता है दे आर अनटचेबल एंड अभी तक उनको वो डिजीज़ नहीं हुआ है, तो उनके साथ होली मनाइए, घर पे खाना बनाइए, अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनिए. एक साल की तो बात है, रेस्ट एवरीथिंग विल बैक टू नॉर्मल. ओके, होली में अगर स्किन की बात की जाए तो आप किस तरह से अपने स्किन का ध्यान रखती हैं, क्या कुछ आप करती हैं? भाई यही एक चीज़ है जिसकी वजह से मुझे होली खेलना पसंद नहीं है, बिकॉज कुछ लोग जो है वो बहुत अजीब अजीब तरह के कलर्स लगाते हैं, बट आई थिंक यहाँ पे तो अभी ऑर्गेनिक कलर्स चल रहा है. So I'm talking about back then when we used to be in college. But I put a lot of moisturizer. I put a lot of coconut oil before going to any events because आप किसी को मना तो कर नहीं सकते हो कोई अगर कलर लगाने आए. जैसे last year I was in Hyderabad. Pandemic की just news break हुआ था and that was the last concert I think in India. और I was not expecting कि कोई आगे होली लगाए कलर लगाएगा. I normally put my coconut oil and went, but वो जो हमारी organizer आंटी थी उन्होंने जाते ही धप्पा कर दिया. And yeah, repercussions थे. तो moisturize yourself a lot and coconut oil is the best cure. Okay, होली में अगर food की बात की जाए तो क्या कुछ खाना prefer करते हैं? भांग के अलावा बाकी सब कुछ मैं प्रेफर करती हूँ. टेस्टी खाना होना चाहिए. बस एक भांग है जो पीने के बाद एक बार बहुत बैंड बजी थी मेरी एंड आई हैव अ वेरी बैड मेमोरी. आप लोग सोचो कि लीजा का होली से बैड मेमोरी है, बट समहाउ है, मैं क्या करूँ. बट भांग के अलावा बाकी सब प्रेफर करती हूँ. अगर वो भांग की अगर स्टोरी जानना चाहें तो, अगर आप बताना चाहें तो कुछ शेयर करना चाहें इस बारे में. सो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि भांग कितना पोटेंट होता है एंड बॉम्बे की ही बात है 5-6 साल पहले की. सो इन वन ऑफ द फैमिली होली पार्टी आए, मुझे लगा कि वो ग्रीन ग्रीन रेसिड्यू जो नीचे होता है वो बहुत ही टेस्टी कुछ होता है, मुझे किसी ने बोला एंड अपेरेंटली दैट वॉज द मोस्ट पोटेंट थिंग. सो आई केप्ट सिपिंग दोज जो भांग के पत्ते होते हैं रॉ वाले एंड इट वॉज सो टेस्टी एंड आई डिडंट नो दैट कि इतना पोटेंट होता है. मैं 3-4 ग्लास पी गई एंड उसके बाद तो मुझे लगा कि मैं मर गई, मुझे लगा एम्बुलेंस आ गया. अपेरेंटली आई हैड 7 कप्स ऑफ चाय एंड आई वॉज सिटिंग इन द बाथरूम फॉर मोर देन 8 आवर्स. दैट्स वॉट माई मेड टोल्ड मी. द नेक्स्ट डे आई सर्फेस्ड. या सो या दैट्स हैपेंड. ओके, एंड लास्टली क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे होली को लेकर? सी भाई, रंगों का त्यौहार है, रंग से खेलिए, बट अपने हेल्थ के साथ मत खेलिए. सो बी कोविड सेफ, बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स. अब जहाँ जा रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं, बट आई अंडरस्टैंड पेशेंस लेवल सबका ख़त्म हो गया है, 1 साल हो गया है पेंडेमिक को. थोड़ा और पेशेंस रखेंगे एंड वील फाइट इट आउट टुगेदर.